तो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिच मिशन यूएसए। क्या थैंक यू सो मच। कहना चाहोगे, गाने को बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। फर्स्टली तो रिस्पांस देखकर कैसा लग रहा है, सबसे पहले आप ये बताइए। अभी भी मैं एंजॉय कर रही हूँ रिस्पॉन्स देख के, और बार बार हाथ मोबाइल आ रहा है कि हाउ इज पीपल रिएक्टिंग, कैसे अलग अलग फीडबैक आ रहे हैं, और काफी सारे रील्स बन रहे हैं जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लोग गाने को फील कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। इट्स गुड फीलिंग। अच्छा, इस पुराने गाने को जब रिक्रिएट करने की बात हुई थी तो बताना चाहेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट आपके पास आया, क्या स्टोरी कहकर आया था, कैसे आया था? यही कह के आया था कि एक रिक्रिएशन प्लान हो रहा है और मेरे लिए पहला रिक्रिएशन था, तो मैं काफी एक्साइटेड थी जानने के लिए कौन सा गाना है। जब मेरी मीटिंग हुई टिप्स के टीम के साथ, जब उन्होंने गाना मुझे सुनाया और वीडियो दिखाया, ऐसे रेफरेंस ऐसा प्लान हो रहा है, तो डेफिनेटली ये गाना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और फेमस सॉन्ग था। ऑफकोर्स अभी भी है, तो सुनते ही मैंने हाँ बोल दिया कि मुझे करना है गाना। आई वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट, एंड जिस हिसाब से इस गाने को देव ने गाया और लिखा गया है, एक नए तरीके से एक नए स्टाइल दिया गया है उसको, वेरी तो इट वेंट क्वाइट वेल। अच्छा, हमने एक चीज देखी, ये गाना जो पहले का जो वर्जन है वो काफी सिंपल, बहुत ही ज्यादा साइलेंट वर्जन है, और अभी वाला जो था उसमें डांस था, काफी पैपी थिंग्स थी। तो पर्सनली आपने कितना एंजॉय किया इस गाने को? पुराना वाला तो बहुत ब्यूटीफुल गाना है और वो आई थिंक एक रोमांटिक ट्रैक का आइकन की तरह है। आई मीन हर किसी को पूछो, 90s के पूछो या आज के लोगों को भी वो पुराना गाना अभी तक वही पसंद है। तो कहीं ना कहीं ओल्ड इज लाइक अनटचेबल, इट विल रिमेन सेम, बट एट द सेम टाइम ये गाना अगर देखो तो वो आज के डेट के हिसाब से काफी ट्रेंडी तरीके से इसको बनाया गया, काफी ग्रूवी है, बीट्स काफी अच्छे हैं और बीट्स काफी न्यू है, और कहीं ना कहीं आप सुनते हो तो आप थोड़ा सा ग्रूव करने लगते हो, विच इज वेरी मच नीडेड इन टूडे जनरेशन। क्योंकि आजकल के जो नए जनरेशन है उनको काफी ऐसी चीजें अट्रैक्ट करती है और पसंद करते हैं लोग, तो उसको आई थिंक ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया गया। और I personally really like it because I am very choosy in terms of audio and all that. But when I heard this track for the first time, I was like, I will take it for sure. अच्छा, सीन्स की अगर मैं बात करूँ तो एक जो अंडर वाटर सीन था, पानी का सीन, वो कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस आपके That लिए? अच्छा, was the closest interaction between the two the couple, and अच्छा था। इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट टाइम था अंडर वाटर शूट, और लोगों ने मुझे ऐसे हॉट अवतार में कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, और एक्साइटेड भी थी। और हमें ये था कि इस गाने को जस्टिस दे इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ द रोमांस, ताकि लोग उस चीज को फील करें जो उसका सोल है, तो वही कोशिश रही। ये सॉन्ग को तो सॉन्ग की केमिस्ट्री हमने देखी ही, लेकिन अगर मैं सिद्धार्थ के साथ आपकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात करूँ तो वो कैसी रही? क्योंकि स्क्रीन पर तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जेल अलॉन्ग किया है, लेकिन ऑफ स्क्रीन कैसी बॉन्डिंग थी आप लोगों की? ऑफ स्क्रीन भी काफी कंफर्टेबल था, वो मेरा दोस्त ही है, इनफैक्ट काफी अच्छा दोस्त है, और वो बहुत स्वीट लड़का है, बहुत डिसेंट लड़का है, एंड वेरी कंफर्ट होती है कब एक ऑन स्क्रीन पेयर पे। तो ऑफ स्क्रीन पे भी वो चीज हमेशा कायम रहती है और वो एक एवरग्रीन एक बॉन्डिंग बन जाती है। और कहीं ना कहीं ये चीज हमें काफी फायदा हुआ इन टर्म्स ऑफ टू ब्रिंग आउट दैट केमिस्ट्री एंड चार्म, सो आई वाज क्वाइट कंफर्टेबल विथ हिम, या दैट वे। अच्छा सारा, आपने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो का हिस्सा रही हैं, पंजाबी म्यूजिक वीडियो या हिंदी बॉलीवुड म्यूजिक वीडियो, बहुत सारे म्यूजिक वीडियो का हिस्सा रही हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपना काम पिक करने से पहले ध्यान रखती हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, लाइक अगर आप म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं? फिलहाल तो क्वालिटी पे काफी फोकस है और ऑडियो शुड बी गुड, एंड मैंने हमेशा
अभी जैसे मेरे गाने आते हैं तो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, और कुछ अगर नया मुझे कोई ऑफर करता है तो मैं ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ चीज को लेके और एक्साइटेड होती हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे लिए हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी बहुत मैटर करता है। शायद आपने देखा होगा कि मैं एक दो गाने ही मेरे साल में आते होंगे, लेकिन एटलीस्ट आई मेंटेन आई आई वुड लाइक टू मेंटेन दैट टाइप ऑफ लेवल एंड क्वालिटी ऑफ कोर्स। और वो चार्ट बस्टिंग ही होते हैं हर बार। अच्छा सो फार क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये पुराने सॉन्ग्स को नए तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो एक दौर चला है, उसे आप पर्सनली कैसे देखते हैं? लाइक बहुत हेल्प मिल जाती है क्रिएटिवली व्हेन इट कम्स टू पुरानी चीजों को ही आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ग्लोरिफाइड करके अभी के जनरेशन में दिखाना हो तो। जब बात आती है क्रिएटिविटी की, अगर इस गाने को पर्टिकुलरली इसकी बात करूँ, बाकियों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहती, हाँ ये ट्रेंड जरूर है। इस गाने को देखा जाए तो ये कम्प्लीटली एक नया गाना है, स्टाइल से भी, वर्डिंग से भी, हर एक चीज पे। बस उसका हुक लाइन यूज किया गया है। कहीं ना कहीं मैं नहीं कहूंगी कि उस गाने को इसने खराब किया, ऐसा कुछ भी। उस गाने की अपनी एक सोल है, ब्यूटी है, अपना एक वाइब है, उसको आप वैसे ही सुनना पसंद करोगे जैसे वो है, इट्स अनटचेबल। लेकिन इस सही गाने की बात करें तो है ये रिक्रिएशन, बट इट इज नॉट लाइक कि उस गाने की कॉपी है या समथिंग लाइक दैट। दे यस ट्राई समथिंग न्यू इन ए न्यू मैनर इन टुडेज वर्ल्ड, लाइक जैसे लोगों को पसंद है। तो कहीं ना कहीं मैं ही नहीं बोलूंगी कि यहाँ क्रिएटिविटी नहीं है या कुछ, ये कम्प्लीटली न्यू क्रिएटिविटी है, न्यू स्टाइल है। और दोनों की ही लाइक मैं तो इनफैक्ट अभी भी उस गाने की उतनी ही बड़ी फैन हूँ जितनी पहले थी। तो यस, रिक्रिएशन इज अ गुड थिंग। इट्स नॉट, आई वुड से, आई वोंट से कि इट बैड, बिकॉज समटाइम वो पुराने वैल्यू को हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, लोगों के सामने। और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी लगता है, लाइक एज ए ऑडियंस अगर आप मुझे पूछो। इनफैक्ट डेफिनेटली। अच्छा एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप इतने सारे म्यूजिक वीडियो का हिस्सा रही है और हमेशा से हमने आपको देखा है, आप बहुत अच्छा इमोट करती हैं चीजों को, बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली स्क्रीन पर वो प्रेजेंट होता है, तो कभी आपको फुल फ्लेजेड हम टीवी पर डेली सोप या कोई भी शो में देख सकते हैं? सच बताओ आपको तो मैंने अभी तक कम से कम 12 शोज को मना किया है टीवी पे। टीवी, नो ऑफेंस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ। लेकिन मेरा एक्चुअली मेन लव अफेयर बोल सकते हो टुवर्ड्स फिल्म एंड शॉर्ट स्टोरीज और मे बी वेब सीरीज। तो कहीं ना कहीं पहले मैं अपने आप को, हाँ, टाइम देना पसंद करूंगी एंड देखा जाएगा अगर फ्यूचर में, बट अभी तो फिलहाल टीवी का सच कोई प्लान नहीं है। एंड व्हाट अबाउट रियलिटी शोज, अगर कभी कोई रियलिटी शो का हिस्सा बनने का मौका मिले तो? काफी आ रहे हैं, कभी आते, काफी आते ही रहते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला, मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ इन चूजिंग द करेक्ट शो, एंड इस चीज को लेके मैं लाइक अपनी लाइक द शो व्हिच विल ऐड वैल्यू टू माय लाइक करियर और मे बी माई ब्रांड, आई डेफिनेटली पिक अप, एंड दैट्स हाउ आई एम लाइक लिटिल पिकी अबाउट थिंग्स। थैंक यू सो मच जारा फॉर शेयरिंग एवरीथिंग टू अस। बस लास्टली कुछ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अपने फैंस को बताना चाहेंगे कि कोई चीजें आपकी पाइपलाइन में हो अभी फिलहाल? काफी सारी चीजें पाइपलाइन पे है और बहुत सारी चीजें, बस हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाए, ताकि हम भी ओपनली काम कर सके और चीजें, मतलब एक सिनेरियो ऐसा पॉजिटिव फिर से हो जाए कि लोग भी रिलीज कर पाए फटाफट। तो हर एक चीज अभी स्लो है, स्टकअप है सिचुएशन की वजह से। लेकिन मैं विश करती हूँ जल्दी जल्दी हम नॉर्मल हो जाए और तब हम बात करेंगे इस बारे में। डेफिनेटली। लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस जिन्होंने आपके गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया और आगे भी पसंद करते रहेंगे उसे बिग हिट और बनाना है? बस जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे ढेर सारा प्यार देते रहे, और ये गाना पहले भी आप लोगों ने पसंद किया और इस गाने को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने पहले वाले को दिया है। और दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है, और कीप शेयरिंग एंड लाइक कीप गिविंग अस योर फीडबैक, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच जाया फॉर टॉकिंग टू अस। हैव अ ग्रेट माय टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक प्लेजर, यू। थैंक। बाय बाय।
थैंक यू फॉर ऑल द लव ग्लिट्स विजन पे आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप हैं इसलिए मैं हूँ। थैंक यू सो मच।